वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू भाई जी माई यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह फतेह। असी पुज चुके हैं जावला गुरुद्वारे, खड़े हैं असी इतने, हम चले असी आप मत्था टेकन अंदर। नाल ही गुरुद्वारा साहिब है, ये अपनी गड्डिया खड़िया ने, दिखाने तुहानू जावला का गुरुद्वारा। लंगर हाल सामने अंदर इंटर कर दे, ये आ गया गुरुद्वारा साहिब अपना, ये निशान साहब देख सकते हो। अभी हमें दिल लगे यहाँ से चाय लेके आया हमारा, उसने पी नहीं, चाय थोड़ा कम लाना, चाय पियेंगे निकलेंगे आगे का रास्ता। गाड़ी पहले बोलने में गलती लगी, जोया बोल दिया, जय वाला है। जा रहे हैं अभी सीढ़ी होके जाएंगे जहाँ साईं बाबा का मंदिर है, उसी शहर से निकल के जाएंगे हम। 300 किलोमीटर रह गया जहाँ से पहुँचने वाले हम, यहाँ से रह गया 10-12 किलोमीटर होगा। रोड वैसे खराब है, ये टूटा हुआ सारा, बहुत ज़्यादा रश है, रोड भी खराब है। अभी शादी जी हमारे काट रहे हैं, पूजा पूजा काट रहे हैं, पांचवी गाड़ी में बन रही है, दूसरी गाड़ी में सब्जी वगैरह बन रही है, चावल वगैरह बन रहे हैं। देख सकते हो गाइस आप, ये ऑटो में जा रहे हैं बच्चे, वीडियो बना रहे हैं हमारी गाड़ी की, लगे हुए हैं वीडियो बनाने। ये देखो यूं करके दिखाते हैं आपको, वीडियो बना रहे हैं हमारी गाड़ी की, देख सकते हो आप। बहुत मस्त गाड़ी बोल रहे हैं भैया, गाड़ी बहुत मस्त बनाई है। अपना अहमदनगर बाईपास लेफ्ट को जो है वो चला जाता है अहमदनगर, इसको नगर भी बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, नगर बोलते हैं। और जो राइट को चला जाता है वो पूना, अपना पूना चला जाता है, और बॉम्बे चला जाता है, यही अपना सतारा, सतारा जहाँ हमने जाना है उस साइड में जाएगा। तो ये बाईपास रोड आप साइड में लेफ्ट वाली साइड में जा रहा है, ये नगर अहमदनगर। ये है बाईपास अहमदनगर का, अंदर से नो एंट्री होती है, आप देख सकते हो नो एंट्री होती है। बोर्ड अहमदनगर का, ये अंदर सिटी अहमदनगर सिटी है अंदर, इसलिए अंदर से रात को लॉन्ड्री खुलती है। इस साइड से देखो आप दूसरी गाड़ी भी आ रही है, ये बाईपास है। अभी हम आगे पूना वाले रोड पे चलेंगे, हाईवे पे, पूना मुंबई हाईवे पे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे, लगाएंगे कहीं जम्मू वाले होटल पे, फोन करेंगे आगे पार्टी को, अगर खाली होगी ठीक है, ये तो रुक जाएंगे, अगर नहीं
जाएंगे सुबह जाएंगे, अगर कर देंगे तो निकलते जाएंगे। ये बाईपास बना अभी नया नया, पहले सिंगल ही था तो अभी बना, लेकिन अभी उस साइड से इन्होंने खोला नहीं है रास्ता, वन साइड ही चल रही है। ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, लू पड़ रही है, सिंगल कर दिया आगे से रास्ता। नगर पार करके यहाँ पे बाईपास पे हम खड़े हैं, टायर करेंगे अंदर बाहर दोनों गाड़ियों के, इसके भी करने वाले हैं, टाटा वाले के और लेलैंड के भी। कल करवा रहे थे इंदौर में, दो करवाए थे दो साइड के, तो रोड के ऊपर ही थी गाड़ी, इतनी देर में पुलिस वाली गाड़ी आ गई तो उन्होंने गाड़ियाँ निकलवा दी, इसलिए कर नहीं पाए। अभी ये लेलैंड के करने हैं, ये वाले दिखाते हैं आपको, वाले एक जोड़ा जी और ये वाले ठीक है, इनको करेंगे अंदर बाहर आगे वालों को, ये दोनों, ये वाला उधर करेंगे उस साइड में, वो वाला इस साइड में करेंगे, क्योंकि ये वाला बाहर से ठीक है, अंदर से खाया हुआ है, अंदर से दबाया हुआ टायर में, तो उस साइड वाला बाहर से दबाया हुआ अंदर से ठीक है। दिखाते हैं आपको, ये वाला बाहर से दबाया हुआ है अंदर से ठीक है, ये उधर करेंगे वो वाला उधर करेंगे, ये वाले ठीक है, लिफ्ट वाले, ये वाले कल किए थे हमने वहाँ पे, और टाटा के भी करेंगे। खाना खाने लगे हैं, खाना खा के फिर शुरू करेंगे, इसके भी करेंगे, इसके तो अभी घिसी गए हैं, इसका इसको बोल के चढ़ करेंगे, उसको बोल के चढ़ करेंगे, पीछे वाले किए थे घर पे, ये वाले भी करने पड़ेंगे सारे। यार खाएं, खाना खाएं, टायर करके अंदर बार, हाँ डाल जितने यार थोड़े बहुत, बन गया हमारा दाल चावल, बन गए, डालने लगा अभी नहीं खाएगा, मैं अपने तीनों बंदे के साथ खाना खाएंगे, खा के तैयार करेंगे। खोले हुए हैं टायर, साथ भी लगा हुआ है, हर चीज लगा हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं 17 में, रह गया यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर बैटरी रह गई है, तो जा रहे हैं हम हाईवे, यहाँ से अभी हम लेंगे राइट, हम आगे पूना मुंबई हाईवे पे, हाईवे चलते हैं, दिखाते हैं आपको फैक्ट्री। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे लगाई हैं गाड़ियाँ साइड पे, सामने फैक्ट्री है, यहाँ पे इस साइड में वो है फैक्ट्री, सामने यहाँ पे होगी खाली गाड़ी हमारी, तो ये साइड पे लगाई हैं हमने गाड़ियाँ दोनों, तो अभी क्या है चलान पे चलान दे दिए थे हमने अंदर, लेकिन अंदर बोलते हैं भैया कि ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे कंपनी में हमारी फैक्ट्री में, वो पीछे वाली कंपनी में भी नहीं है, वो करवाओ, तो वो करवानी पड़ेगी आपको, तो फिर जाके गाड़ी अपना एंट्री होगी हमारी, अंदर ली जाएगी गाड़ी,
तो अभी हम खड़े हैं, ये अपना फैक्ट्री का गेट, अंदर फैक्ट्री है। अभी 9 बजे के साथ देखो होगा, मेल वगैरह भेजेंगे वो, तो फिर खाली वगैरह होंगी। आज प्याज का रेट भी अच्छा हो गया, बढ़ गया है मेरे भाई, 10,300-400 रेट हुआ प्याज का। अभी हम अगरतला ही जाएंगे, भरेंगे, बढ़िया रेट है तो लगाते हैं। तो चक्कर आपको जैसे पता, पहले लगाए थे हमने अपना 9,600 में लगाए थे पहले अगरतला का चक्कर। तो तरबूज का रेट था ये अपना 10,500-700 तरबूज का रेट था। इस बार सिलचर का रेट बढ़िया है, इधर का इस साइड का 9,000 सिलचर का है, तो वहीं देखेंगे अब लगाएंगे। खाली करते हैं गाड़ी, देखो अब वाहेगुरु की कृपा होती है तो खाली करके। कंपनी में पहले खड़े थे फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में खाली नहीं होगी, अभी दूसरी फैक्ट्री में खाली होगी। हिंदुस्तान फैक्ट्री है वहाँ पर खाली होगी। अभी व्हाट्सएप मेरे को भेजी है बिल्टी उन्होंने, तो ट्रांसपोर्ट वाले ने बिल्टी निकलवाने जा रहे हैं अभी पैदल ही मज़ार आए, तो खाली होगी नहीं मेरे हिसाब से, कल ही होगी। अब 5 बज चुके हैं, 5:15 का टाइम हो चुका है, 6 बजे के बोले एंट्री करवा लो, क्या पता रात को भी खाली हो सकती है। चलो देखते हैं, अभी दिन तोड़ दिया उसने ट्रांसपोर्टर ने, पहले भेजी होती बिल्टी तो बढ़िया था, भेजी नहीं। अभी देखो जा रहे हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर। पहले तो निकलाई थी हमने उनकी गाड़ी में, अभी पैदल ही जा रहे हैं, क्या करना, भी परेशान करते हैं कसम से गाड़ी वालों को, पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है उन्होंने। 60-60 लाख रुपए लगा के हमने गाड़ियाँ ली हुई हैं, लेकिन हालत हमारी ये बकरियाँ चलाने वालों, भैंसें चलाने वालों से भी बदतर है हमारी, जो गाय भैंस चलाते हैं उनसे भी बदतर है। इतना बुरा परेशान करते हैं मतलब के बंदे को बहुत ज़्यादा, गाड़ी वाला आगे से बोल ही नहीं सकता कुछ। जा रहे हैं अभी देखो, साहब भी देखो अभी बेचारा उदास हो गया, उसको भी चलना पड़ रहा है, लेकिन ये खुश है, पता भैया साथ में जा रहा है, खाने को मिलेगा, कुछ खाएगा। ये देखो कल परना पुरना बांध के बैठा था, आज देखो फिर अपनी क्या आ गया, फिर कैटेगरी में आ गया, अपनी अपने रूप में आ गया, अपने रूप में आ गया। अभी इसको हम खिलाएंगे आइसक्रीम, पूछेंगे आइसक्रीम वाले भैया को कहाँ पे मिलेगी जीरोक्स वगैरह, यहाँ पे करवानी है, कहाँ से होगा पूछते हैं भैया को। भैया बोल रहे हैं 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, अभी और चलना पड़ेगा हमें। जा रहे हैं अभी, एक चौक आएगा आगे जहाँ पे गाड़ियाँ हमने अंदर इंटर की थी, उसी रोड पे जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। जा रहे हैं अभी, ये है इंडस्ट्री एरिया, ये सारे, ये देखो इधर टोटो वगैरह भी नहीं मिल रहा है कोई, ये तो उसमें बैठ के जाते हैं, देखते हुए देखेंगे कोई टोटो छोटो मिलेगा उसमें बैठ के आ जाएंगे। यहाँ से तो मिला नहीं, शायद से क्या पता बाजार से मिल जाए, वो छोड़ दें। तो जा रहे हैं पैदल ही, फैक्ट्री है गाइस हमारे पीछे, देखते हो आप, यहाँ पे अभी बिल्टी वगैरह हमने जमा करवा दी है। तो जा रहे हैं अभी हम गाड़ी के पास, कप्पू को भेजेंगे कांटा पर्ची लेके, कांटा पर्ची नहीं थी हमारे पास, वो गाड़ी में पड़ी है, वो आ रहा है कप्पू लेके, तो इसको भेजते हैं अभी, ये जाएगा लेके पर्ची। कल होगी खाली, बोलते सुबह सैंपल लेंगे, सैंपल लेके तो कल खाली करेंगे। अभी हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं पकौड़े, कप्पू को दिए हैं अभी खा रहे हैं। पार्किंग में लगाई गाड़ी, सुबह हो जाएगी खाली, बोलते 7 बजे आएगा सैंपल वाला, तो सैंपल लेके उसके बाद होगी खाली। हमने सोचा था वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कल लोडिंग हो जाएगी, आज खाली हो जाएगी। ये बादाम का पेड़ लगा हुआ सामने, ये पीछे बादाम जो दिख रहा है ग्रीन पेड़ वाला सामने, ये बादाम का पेड़ है, इस पर बादाम पड़ते हैं। गाड़ियाँ कहाँ लगी हमारी, वो लास्ट में होगी मेरे हिसाब से, फैक्ट्री से देखो कितना आगे चल के आ गया, अभी लास्ट में पार्किंग है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपनी गाड़ियों के पास, ये लगी है हमारी गाड़ी, ये है पार्किंग, यहाँ पे बिल्टी एक करवा के ग्रब्स करके ये पकड़े, पूरा 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। तो साथ में हमने लिए हैं पकौड़े,
लाएंगे हर्ची को और उसको कप्पू को दोनों के लिए। यहाँ का बड़ा पाव बहुत मशहूर है, वो खाया हमने, बहुत बढ़िया है। आगे यहाँ से भी गेट है इसका फैक्ट्री का आगे, लेकिन यहाँ से जाने नहीं देते, घूम के आना पड़ता है किलोमीटर पूरा। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये, देखेंगे कोशिश करेंगे अगर जाने देंगे तो इधर से निकलेंगे शॉर्टकट गेट के अंदर से जहाँ भी एंट्री करना चाहिए, तो नहीं तो फिर घूम के जाना पड़ेगा हमें दोबारा। चलते हैं देखते हैं जाने देते कि नहीं। पार्किंग फ्रेश है, पार्किंग में ये लगी है अपनी गाड़ी दोनों। ये पार्किंग है सारी, पार्किंग तो साफ सफाई है यहाँ पे, बढ़िया पार्किंग है फैक्ट्री की, हिंदुस्तान फीड फैक्ट्री है ये हमारे। कहाँ पे गए बोले जी, बोले जी क्या चल रहा है, देख उधर पत चल रही है, क्या चल रहा है, भात दाल भात चल रहा है, दाल भात, दाल भात चल रहा है, वो देखो जी दाल भात चल रहा है अभी, देखो देखो दाल दाल भात गांडा खा रहे हैं अभी। ये देखो ये ऊपर चढ़ के हमारे साबी जी भी ऊपर दाल भात गांडा खाने के